मैंने आज तक शायद ही उनसे महान किसी अन्य भक्त का नाम सुना होगा जिन्होंने अपनी भक्ति से सबको चकित कर दिया हो। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूब चुकी, अपना सब कुछ भूलने वाली बात हो रही है मीराबाई की। यूं तो लाखों करोड़ों भक्त मौजूद है दुनिया में भगवान के, और उनका अपना अपना मन से भक्ति करने का एक अलग अंदाज है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी अनन्य भक्त जिनकी तुलना किसी के साथ कर पाना गलत ही नहीं बल्कि असंभव है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान के मेड़ता में स्थित प्रसिद्ध मीराबाई स्मारक को और स्मारक के जस्ट पास में स्थित प्रसिद्ध चार भुजाजी नाथ के मंदिर को देखते हैं पूरी जानकारी के साथ। मेड़ता से कुछ ही दूरी पर स्थित मीराबाई के राजभवन को कड़ेली गांव में देखते हैं पूरी जानकारी के साथ। चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित प्रसिद्ध मीराबाई के मंदिर को देखते हैं पूरी जानकारी के साथ। सही जानकारी और सटीक जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मीराबाई का जन्म विक्रम संवत 1504 में राजस्थान के मेड़ता में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह जी के घर में हुआ था। मीरा का संबंध एक राजपूत परिवार से ही था। जब ये छोटी थी तभी इनकी माँ का देहांत हो गया था और इनके दादा राव दूधा ने ही इन्हें पाला था। कुछ लोगों का मानना है और कई किताबों में भी लिखा जाता है कि मीराबाई का जन्म कुड़की गांव में हुआ था, जो कि पूरी तरह से गलत हो सकता है, क्योंकि कुड़की की जागीर मीराबाई के पिताजी रतन सिंह जी को उनके 11वें जन्मदिन पर मिली थी। चलिए, मीराबाई स्मारक राजभवन में प्रवेश करते हैं और देखते हैं वहां पर व्याप्त ऐतिहासिक तथ्यों को। यह प्रतिमा दूधा जी की है, जो कि मीरा के दादाजी थे। इन्होंने मांडू के बादशाह को हराकर मेड़ता में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। यह प्रतिमा कुंवर भोजराज जी की है, जो कि मीराबाई के पति और राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका निधन अल्पावस्था में ही हो गया था। यह प्रतिमा मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु संत रविदास जी की है। यह प्रतिमा कुंवर रतन सिंह जी की है, जो कि राव दूधा जोधावत के पुत्र और मीराबाई के पिता थे। इन्हें ही जागीरे में कुड़की सहित 12 गांव मिले हुए थे। एक बार क्या होता है, गांव से एक बारात जा रही थी। सभी बच्चे उस बारात को देख रहे थे और उन बच्चों में से एक मीरा थी जो उस बारात को देख रही थी। उस बारात में घोड़े पर बैठे दूल्हे को देखकर मीरा अपनी माँ से पूछती है, माँ यह क्या है? बेटा यह दूल्हा है। अगर यह दूल्हा है तो फिर मेरे दूल्हे कौन है? बस उसी समय मीरा की माँ उन्हें समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति हाथ में देती हैं और बोलती हैं, बेटा यह तेरे दूल्हे हैं। इस बात का मीरा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे पति, मेरे दूल्हे भगवान श्री कृष्ण सांवले सरोने हैं। बस दिन रात उन्हीं के साथ खेलती, उन्हीं से बातें करने लगती थी। चलिए देखते हैं मेड़ता में स्थित प्रसिद्ध मीराबाई स्मारक के जस्ट पास में स्थित भगवान श्री चार भुजा जी के मंदिर को पूरी जानकारी के साथ, जो कि मीरा के आराध्य देव थे। मीराबाई के आराध्य भगवान चार भुजानाथ का मंदिर मेड़ता नगर के मध्य में स्थित है। इस प्राचीन मंदिर को मेड़ता के राजा राव दूधा ने बनवाया था। इस ऐतिहासिक मंदिर में चार भुजानाथ की मूर्ति और सामने मीराबाई की संगमरमर की मूर्ति विराजित है। श्री चार भुजानाथ के मंदिर में प्रभु की 5 बार पूजा की जाती है। मीरा ने इसी मंदिर में बैठकर ईश्वर की आराधना की। मंदिर में साक्षात भगवान चार भुजा नाथ जी विराजते हैं। कहते हैं कि चार भुजा जी नाथ आज भी भक्तों को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। देश भर से श्री कृष्ण अनुयायी भक्त यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में दर्शन के लिए आते रहते हैं। हम आपको भगवान चार भुजा जी नाथ के दर्शन नहीं करा सकते, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे थे तब मंदिर के द्वार लगे हुए थे।
राव दूधा ने मीराबाई की शिक्षा का भार पंडित गजाधर को सौंपा। मीराबाई ने पद रचना, संगीत और वाद्य वादन तथा नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। मीराबाई पंडित गजाधर को विवाह के उपरांत अपने ससुराल चित्तौड़ ले गई। मांडल तथा पुर के परगनों में उन्हें भूमि प्रदान की। कुड़की की जागीर मीराबाई के पिता रतन सिंह जी को मीरा के 11वें जन्मदिन पर मिली थी और 13 वर्ष की आयु में मीराबाई का विवाह हुआ था। इससे हम महज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कुड़की के महल में मीराबाई के महज ही 1 या 2 साल ही बीते होंगे। यह आप गांव कुड़की में स्थित मीराबाई के महलों को देख रहे हैं। मीराबाई के ससुर राणा सांगा के नेतृत्व में विदेशी आक्रमणकारी बाबर से 1527 ईस्वी में राष्ट्र युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। मीराबाई के पिता ने उनका विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में राजकुमार भोजराज के साथ निश्चित किया। भोजराज चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के बाद मीराबाई रानी बनी, लेकिन उनको ये राजसी सुख सुविधा और वैभवशाली जीवन से कोई प्रेम नहीं था। उनके अंतर्मन में सिर्फ श्री कृष्ण का वास था। मीरा अपने पति राजा भोज का सम्मान करती थी और उनकी सभी आज्ञाओं का पालन भी करती थी, लेकिन शाम को वह अपना पूरा समय श्री कृष्ण की भक्ति को देती थी और श्री कृष्ण के भजन में लीन रहती थी। मीरा के पति कुंवर भोजराज मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास भी किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। वे संसार की ओर से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। चित्तौड़गढ़ के किले में मीराबाई द्वारा साधु संतों की संगति करना, लगातार हरि कीर्तन करना, यह राज परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसे लेकर मीराबाई को मारने के लिए एक फूलों की टोकरी में सांप को रखकर उनके पास भिजवाया जाता है। जैसे ही मीराबाई टोकरी खोलती है, अंदर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निकलती है। दूसरी बार उन्हें मारने के लिए एक जहर का प्याला, विष का प्याला उनके पास भिजवाया जाता है, लेकिन वह भगवान का चंद्रामृत समझकर उसे पी जाती है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वह हर बार किसी न किसी चमत्कारिक ढंग से बच जाती है। कई प्रकार की लोक कथाओं और किंवदंतियों में इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन प्रमाणित दस्तावेजों की कमी के कारण उनके जीवन के बारे में अन्य साहित्यों से पता लगाया गया है, जिसमें उनके जीवन के बारे में बताया गया है। मीराबाई के पास सांप की टोकरी भेजना और मीरा द्वारा विषपान करना आदि घटनाओं का इन्हीं महलों में होना बताया जाता है। अपने पति के जाने के बाद तो श्री कृष्ण और मीरा का लगाव और भी बढ़ता गया। अब वह स्वतंत्र मन से भगवान कृष्ण की आराधना कर सकती थी। श्री कृष्ण और मीरा की इस भक्ति ने अनगिनत कविताओं को जन्म दिया, जो कि मीराबाई द्वारा ही रचित हैं। हिंदू किला चित्तौड़गढ़ साधारणतः मीराबाई की याद के लिए भी प्रसिद्ध है। उनका जीवन किसी धार्मिक फिल्म से कम नहीं रहा है। जो ये मंदिर देख रहे हैं वो भक्त मीराबाई का मंदिर है, जिन्होंने सबसे कम उम्र में ही भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था और भगवान कृष्ण की आराधना की थी। मीराबाई मेड़ता सिटी से ताल्लुक रखते थे और चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर उनका ब्याह किया गया था। मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ की सबसे धार्मिक जगहों में से एक है। राजपूत राणा महाराणा कुंभा के शासन में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। भक्ति पथ आंदोलन की प्रमुख प्रतिभागी मीराबाई को यह मंदिर समर्पित है। चित्तौड़ के किले में इस प्रकार की कई घटनाओं से आहत होकर मीराबाई ने अपने पति का राज्य छोड़ वृंदावन जाने का फैसला किया और अपने कुछ भक्तों की टोली बनाकर वहां से निकल पड़ी। वृंदावन होते हुए मीराबाई द्वारिका पहुंचे। वह जहां जाती थी वहां लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार और सम्मान देते थे।
मीरा का समय बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल का समय रहा है और अंत में वह द्वारिका में एक चमत्कारिक ढंग से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। मीराबाई की मृत्यु के साक्ष्य आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुए हैं। लोगों के अनुसार 1547 में वह चमत्कारिक ढंग से द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। हालांकि इस बात के भी कोई सबूत मौजूद नहीं है। मीराबाई ने उस समय के धार्मिक जोश को बढ़ा दिया था। उनके समर्पण ने साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसमें उनका अनंत प्रेम और विश्वास दिखता है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल पर आए हुए नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह प्राचीन और ऐतिहासिक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ।